वैसे तो हैंड ग्रेनेड्स को बहुत सावधानी से हैंडल किया जाता है, लेकिन वर्ल्ड वॉर टू में जापानी सोल्जर्स ग्रेनेड की सेफ्टी पिन निकालने के बाद ग्रेनेड को अपने हेलमेट या बेल्ट की बकल पे ठोक कर फेंकते थे। दरअसल उस समय जापानीज आर्मी टाइप 97 हैंड ग्रेनेड यूज करती थी, जिसे जापानीज भाषा में क्यूनाना शिकी टेरियोदान कहा जाता है। इस ग्रेनेड में सेफ्टी पिन तो थी ही, लेकिन जंग के मैदान में सेफ्टी पिन एक्सीडेंटली खींच जाती थी और सोल्जर्स अपने ही ग्रेनेड का शिकार हो जाते थे। ऐसी कैजुअल्टी से बचने के लिए फायरिंग पिन को एक स्प्रिंग के द्वारा सिक्योर कर दिया गया। इसीलिए ग्रेनेड को आर्म करने के लिए फायरिंग पिन को किसी हार्ड सरफेस पर ठोकना पड़ता था। बैटलफील्ड में ऐसा करने के लिए सोल्जर्स के पास उनका हेलमेट ही बेस्ट ऑप्शन था। एक हार्ड इंपैक्ट से फायरिंग पिन इग्नाइटर फ्यूज को जला देती थी। इसके बाद सोल्जर्स के पास सिर्फ 1.5 सेकंड होते थे उस ग्रेनेड को फेंकने के लिए। कुछ मामलों में 1.5 सेकंड की डिले बहुत कम थी, तो इग्नाइटर फ्यूज में मॉडिफिकेशन कर डिले टाइम को 3 से 4 सेकंड किया गया। टाइप 97 का ही एक इम्प्रूव्ड वर्जन बनाया गया टाइप 99। टाइप 99 जापानीज इन्फेंट्री मैन के लिए स्टैंडर्ड राइफल ग्रेनेड था।